नरम नरम रात में गरम गरम चांद पर नरम नरम रात में गरम गरम चांद पर हाथ लग गया जहां छाला पड़ गया वहां वो भी गोल गोल था ये भी गोल गोल है वो भी गोल गोल था ये भी गोल गोल है गरम गरम छाले का नरम नरम छिलका था छिलका छिला तो वहां फिर से एक चांद था वो भी गोल गोल था ये भी गोल गोल है वो भी गोल गोल था ये भी गोल गोल है गरम का छिलका नरम का छिलका छिलके का छिलका ना 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 छाले का छिलका छिल कचिल छिल कचिल छिल कचिल 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 चांद छिलके जरा देखे कैसा हाल है लगता है ये भी तो एक गोलमाल है वो भी गोलमाल था ये भी गोलमाल है वो भी गोलमाल था ये भी गोलमाल है नरम नरम गरम गरम है नरम नरम गरम गरम है गोलमाल गोलमाल है गोलमाल गोलमाल है ईश्वर प्रसाद के लड़के तो नहीं जी हाँ लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना इस गांव का महाजन गंगाराम अच्छा अच्छा नमस्ते मगर तुम तो अपना घर बार बेचकर शहर चले गए थे फिर गांव कैसे भूल पड़े मास्टर जी ने बुलाया है अच्छा तो तुम ही वो मेहमान हो जिसके स्वागत सत्कार के लिए वो मुझसे 50 रुपए उधार ले गए थे उधार उधार नहीं लेगा तो क्या करेगा बड़ी खराब हालत चल रही है बेचारे की लड़का निकम्मा निकल गया लड़की शादी लायक हो गई अब मैं भी क्या करूं मास्टरनी की बीमारी में मकान गिरवी रखा था मूल तो जाने दो सूद तक नहीं दिया आज तक बस 10-15 दिन और देखता हूं मकान की डिग्री करवा दूंगा अच्छा चलता हूं भैया उधर नहीं इधर जी मास्टर जी के घर जाएंगे ना जी हाँ मैं कुसुम हूँ अरे कुसुम इतना सा देखा था तुम्हें कितनी बदल गई हो आप भी तो कितने बदल गए हैं अपने गांव के रास्ते तक भूल गए बहुत दिनों बाद आया हूँ ना इसलिए लाइए मैं ले लूँ अरे नहीं रहना लाइए ना अच्छा ये लो Thank you.
आइए। चाचा जी कहाँ हैं? अभी आते ही होंगे। बैठिए ना। आप नहा धो लीजिए, खाना तैयार है। अरे राम, तुम आ गए। जीते रहो जीते रहो। मैं तो चार पांच दिन से इंतजार कर रहा था, फिर सोचा शायद चिट्ठी ना मिली हो। नहीं, चिट्ठी तो मिल गई, पर कामकाज में थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम आ गए यही बहुत अच्छा हुआ। कुसी से मिले? हाँ, वही तो लेके आई मुझे यहाँ। अच्छा अच्छा। लेकिन बिरजू? नाम मत लो उसका, मैंने उसे घर से निकाल दिया। क्यों? अरे वो नालायक। पिताजी, बात कहाँ भागी जा रही है? सारी रात सफर करके आए हैं, खाना खाकर आराम करने दीजिए इन्हें। चलिए, आप भी नहा धो के खाना खा लीजिए। आओ भैया आओ। अरे कुसी, ये पल्लू में क्या बांध के ले आ रही हो? करेले हैं, आपको बहुत पसंद है ना? तुम्हें कैसे मालूम? बचपन से आपके यहाँ चाची के पास ही तो पली बड़ी हूँ, मालूम नहीं होगा। सच कहूँ कुसुम, गांव में आकर बड़ा मीठा लग रहा है। घर भी मिल गया, दर्जी भी मिल गया। दर्जी? हाँ, देखो ना, कुर्ता फट गया था, सी दिया किसी ने, और करेले भी मिल गए। बस और क्या चाहिए आदमी को? करेला, कपड़ा और मकान। करेला और कपड़ा तो ठीक, पर मकान तो महाजन के पास गिरवी पड़ा है। कभी मैं सबसे कहा करती थी कि मेरे दो दो घर हैं, पिताजी का घर और चाची का घर। चलती हूँ, मुझे खाना बनाना है। मकान की हालत तो देख ही रहे हो, मेरी हालत इससे भी खराब है। कहने को बिरजू बेटा है, उसका होना न होना बराबर है। पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, नाटक मंडली में भर्ती होकर नाम डबोरा पुरखों का। मैंने भी निकाल बाहर किया। जाओ, फिर वही बात शुरू कर दी पिताजी। मालूम है तुझे अपने भाई की शिकायत सुनना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी कहना कहां अच्छा लगता है, पर क्या करो, मन का दुख निकल ही पड़ता है अपनों के सामने। एक चिलम तो भर ला बेट। खैर, बिरजू तो लड़का है, खा कमा लेगा कहीं, उसकी ज्यादा चिंता नहीं मुझे। चिंता तो इस लड़की की है, इसे गुण इसके दुश्मन बन गए। मैं समझा नहीं। एंट्रेंस तक पड़ी है, थोड़ा संगीत भी सीखा है, और रूप गुण तो तुम देख ही रहे हो। अब इसके लिए वर कहां से लाऊं? कुसुम जैसी लड़की के लिए वर की क्या कमी? कमी तो कुछ नहीं, पर साथ में थैली होनी चाहिए ना देने के लिए। पहले तो पढ़े लिखे लड़के मिलते नहीं, सब शहर चले गए। जो मिलते हैं
वो अपनी पढ़ाई लिखाई की कीमत मांगते हैं साथ में। अब इसीलिए तुम्हें बुलाया बेटा, इसे अपने पैरों में जगह दे दो। मैं? लेकिन मैं तो चाचा जी अभी शादी कर ही नहीं सकता। क्यों बेटा? क्या बताऊं चाचा जी, 140 रुपया तनख्वाह मिलती है, मालिक के यहाँ पड़ा रहता हूँ एक कोने में। इस हालत में शादी तो दूर, शादी का सपना भी नहीं देख सकता। शादी कर लो बेटा, कमाई अपने आप बढ़ जाएगी और फिर लड़की भी अपना भाग लेकर आती है। नहीं चाचा जी, मुझे माफ कीजिए, मैं इस वक्त शादी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। रात काफी हो चुकी है पिताजी, इन्हें सोने दीजिए और आप भी सो जाइए। अच्छा, इसका बिस्तर लगा दिया? जी, आपके कमरे में ही लगा दिया है। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहीं सो जाऊंगा, कितनी अच्छी चांदनी रात है। बिरजू, अरे तू तू कब आया? मैं आज ही आया। अच्छा, कुसुम को जरा जल्दी से बुला देगा, पिताजी को नहीं पता चलना चाहिए। हाँ जल्दी। चाचा जी, चाचा जी। क्या बेटा? बड़ी प्यास लगी है, कुसुम सो गई क्या? नहीं, अभी लाती हूँ पानी। भैया कहाँ रहे इतने दिन, भाई दूज को भी नहीं आए। सचमुच फुर्सती नहीं मिली रे, मैनेजर ने छुट्टी नहीं दी, नाटक था ना उस दिन। ये नाटक पाटक का चक्कर छोड़ दो, अब घर आके रहो, पिताजी को मैं मना लूंगी। तुम्हारे बिना घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भैया, पिताजी भी दुखी रहते हैं। मेरे आने से तो पिताजी और भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे, और फिर मैं यहाँ के करूंगा क्या? पढ़ाई लिखाई तो मैंने की नहीं, मेहनत मजदूरी करूंगा तो पिताजी नाराज हो जाएंगे, और घर में निकम्मा बैठकर मुझसे रोटी नहीं तोड़ी जाएगी, इसलिए तो नाटक कंपनी में भर्ती हो गया हूँ। देखना कुसुम, एक दिन तेरा भाई बहुत बड़ा कलाकार बनेगा और फिर सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम हाँ क्यों रहे हो? रसूलगंज में अपनी नाटक कंपनी आई हुई है, देखना शो के बाद सीधा वही पोशाक पहने तेरे पास भागा चला आया। और हाँ, तेरे लिए साड़ी लाया हूँ, पिताजी के लिए गमछे, अरे अंबूरी तंबाकू, पिताजी को बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन पिताजी को ये नहीं बोलना कि मैं लाया था, वरना पिएंगे नहीं फेंक देंगे। अगर पूछे तो बोल देना कि तू पैसे से इकट्ठा करके कहीं से लाई थी। तुम ठहरो भैया, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं रे, मेरे पास ठहरने का टाइम नहीं है, वो लोग ठीक 3 बजे कूच करने वाले हैं, मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। राम, तू बस पे फोन में रहता है ना, अगर कभी अपने टोली के साथ आया तो तुझसे जरूर मिलूंगा। अभी यार वहाँ टाइम पर पहुँचना है, तरक्की करनी है, पिताजी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अच्छा चलता हूँ, चलता हूँ। अच्छा चलता हूँ। अच्छा, ना जाने कुसुम कहाँ चली गई, शायद मंदिर गई होगी। ठीक है चाचा जी, उसे मेरा प्यार देना। अच्छा, वो मेरी बात का ख्याल रखना और चिट्ठी जरूर लिखना। अच्छा। रोको,
अभी राहु कालम है, घर नहीं चलेंगे। बबुआ के गैराज ले चलो, गाड़ी में जो आवाज आ रही है वो भी ठीक करवा लेंगे। चलो वापस ले लो। अरे भानकार, भानकार, साला पता नहीं गाड़ी में क्या मिस्टेक आ गया है, दिमाग ही काम नहीं करता। और दिमाग का भी क्या कसूर है, इसको भी तो तेल पानी चाहिए ना। छोटे मालिक चाय वाय तो पीने नहीं देते। लगता है साला इस इंजन में इबलीस घुस गया है। साला काम चोर घोचू, इबलीस घुस गया तो निकाल नहीं सकता क्या बे? बंसी कहां मर गया? छोटे मालिक, आप यहां किसी को चाय पीने नहीं देते, और वो चाय पिए बिना काम नहीं कर सकता, इसे काम छोड़कर चला गया। चला गया, जाने दे, मर जाने दे। वो समझता उसको मगर काम नहीं चल सकता क्या रे? हैं, इधर कहां देख रहा बे? आवाज तो गाड़ी के डिफरेंशियल में है। डिफरेंशियल में? अबे डिफरेंशियल पीछे होती है, तू आ मेरे साथ। प्लीज जी। छोटे मालिक, क्या बे? आपका चना गुड़ आ गया, नाश्ता कर लीजिए। रख दे। ये भगवान भी अजीब है ना छोटे मालिक। क्यों? देखिए ना, मेरा रोज सुबह को हलवा पूरी खाने को दिल करता है, लेकिन पैसा नहीं है। आपके पास पैसा है तो आप चना गुड़ खाते हैं। अबे चंदू, तू नहीं समझेगा चना गुड़ की महिमा। गाड़ी किस ताकत से चलती है? हॉर्स पावर से, यानी घोड़े की ताकत से। और चना गुड़ खाने से आदमी में घोड़े की ताकत आ जाती है, समझा साला घोचो? जी जी हाँ। जरा पाना दादा रे। पाना दे। अबे साला खोचू, पाना मांगा, स्क्रू ड्राइवर हाथ में पकड़ा दिया, साला कान खेत चरने भेज दिया क्या रे? उल्लू की तुम गधे की औलाद, जल्दी कर। हथौड़ी? अबे गाड़ी की मरम्मत तो बाद में करूंगा, पहले तेरी मरम्मत कर लूं साले घोचू। साला सवेरे सवेरे भांग पीकर आ गया, तेरी तो मैं खोपड़ी तोड़ दूंगा। भैया आप, ये क्या, ये साले घोचू, ये क्या? छी छी छी, वाजपेयी खानदान का लड़का होकर इस तरह बात करता है? आइंदा कभी साले घोचू बोला तो मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। भैया गलती हो गई, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सुन, मैं बनारस गया था शास्त्री जी के पास। क्या ज्योतिषी हैं, भाग्य तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे आकाशवाणी वाले समाचार पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि भाग वाली कोठी का मामला इस बार हम जरूर जीतेंगे। अरे तो आपको तो फिर इलाहाबाद जाना होगा। नहीं, मेरे जाने की क्या जरूरत है, रामप्रसाद जो जा रहा है बड़ा काबिल लड़का है। और हाँ, मैंने उनको तेरी और प्रताप करके बाबू कृष्णानंद राय की बेटी की कुंडली भी दिखाई। उन्होंने कहा बहुत अच्छी जोड़ी है, शीघ्र शादी कर दो। भैया लेकिन मैं तो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। तो कब शादी करेगा, बुढ़ा होने पर? शास्त्री जी ने कहा है इसके बाद 4 साल तक अच्छा मुहूर्त नहीं निकलेगा। ठीक है भैया, तो फिर 4 साल के बाद देखा जाएगा। क्या है, मेरा मतलब कि सुमी बेटी की शादी के बाद, तब तक सुमी बेटी भी तो 20 साल की हो जाएगी ना। सुमी 16 की हो गई? हाँ भैया, आज यही बात नाश्ते की टेबल पे नानी जी बता रही। नानी? सुमी की नानी? हाँ, परसों सुमी के साथ आ गई ना वो। अच्छा, तो उन्हें मालूम तो नहीं मैं बनारस गया था? ज्योतिषियों से बहुत चिढ़ती है। मालूम तो है भैया, मैं नहीं बताया उन्हें। क्यों क्यों बताया? भैया झूठ कैसे बोलूं, आपकी सास है ना वो। ये भी तो सच है। सुन, आज जल्दी घर आ जाना, खाना साथ खाएंगे, और मेरी गाड़ी में जरा आवाज निकल रही है, उसे ठीक करवा देना। मैं तेरी गाड़ी लेके घर जा रहा हूँ। बाप रे भाई, तू देख क्या रहा है घोचू, ये नाश्ता लेके अंदर आ। शाबाश। शादी के बारे में तेरी क्या राय है रे चंदू? साला सवाल पूछा जवाब क्यों नहीं देता, बोल शादी करनी चाहिए या नहीं? हाँ बोलने से जूता पड़ेगा मालिक, या ना बोलने से जूता पड़ेगा मालूम नहीं है ना, इसलिए नहीं बोलता। अरे जूता क्यों पड़ेगा रे साला, तू शादीशुदा आदमी है, तुझे तजुर्बा है, इसलिए पूछ रहा हूँ, बोल। तो मालिक, छोटे मालिक, शादी नहीं करनी चाहिए। शाबाश शाबाश, मेरी भी यही राय है कि आदमी को शादी नहीं करनी चाहिए।
देखिए ना हमारी ये औरत साली साला खबरदार, जो औरत जात के खिलाफ कभी कुछ बोला तो एक थप्पड़ मारूंगा, बत्ती से निकाल कर रख दूंगा यहाँ, समझा? तेरी माँ औरत नहीं क्या रे? मेरी माँ औरत नहीं क्या? तो फिर हाँ ये बोल कि आजकल भगवान ने शादी के लायक लड़कियां बनाना बंद कर दिया है। पहले बनाती थी क्या? और नहीं तो क्या, हम तुम कैसे पैदा हो गए? इधर आ, ये देख, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी? हाँ बे, रानी पद्मिनी आग में कूद कर जान दे रही है इज्जत बचाने के लिए, और ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब कहाँ है ऐसी वीरांगनाएं? बड़े मालिक, नमस्ते बड़े भैया। नमस्ते। वो बगीचा वाली कोठी का केस शुक्रवार को है ना? वो मुझे तो मालूम नहीं बड़े भैया, वो तो राम देखता है। What nonsense! तुम मैनेजर हो? ये उल्लू की दुम। तुम्हें केस का कुछ मालूम नहीं, तुम्हें कामकाज की कोई खबर नहीं। वो जो हिसाब में जो 20 रुपया 10 पैसा का घपला निकला था, 10 रुपए 20 पैसे का, वही उसका हिसाब मिला? वो बड़े भैया वो नहीं मिला ना। देखो ध्यान से काम नहीं करोगे तो यहां से निकाल दूंगा, रिश्तेदार होने का लिहाज नहीं करूंगा। राम प्रसाद कहां है? मैं यहां हूं सर। सर घड़ी देखी, अच्छी है, इंपोर्टेड है ना? मैं इस घड़ी के बारे में तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा हूं, ये तुम्हारे दफ्तर आने का वक्त है। सर शुक्रवार को इलाहाबाद में केस है ना, इसलिए पूरी तरह तैयार होके ही निकला, और शुभ काम के लिए जा रहा हूं ना, इसलिए पंडित जी से मुहूर्त पूछा तो उन्होंने कहा थोड़ा लेट निकलो, राहु कालम है। हाँ हाँ जरूर जरूर आओ। देखो मैं इस केस के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। बैठो बैठो बैठो। नहीं ठीक है। बैठो, गर्दन ऊंची करके बात करने में मुझे तकलीफ होती है। देखो राम प्रसाद, किसी न किसी तरह से इस केस को जीतना ही पड़ेगा। तुम्हें मालूम है कि आज से 53 साल पहले मेरे दादा ने यह केस दायर किया था। 53 नहीं सर, 53 साल 7 महीने 6 दिन, अब तो जबानी याद हो गया है। हाँ। श्री श्यामाचरण उपाध्याय एडवोकेट उस बगीचा वाली कोठी में किरायादार थे, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। कहने लगा तुमने 12,000 में ये कोठी और बगीचा खरीदा है, अभी ये मुझे 16,000 में बेच दो। दादा नहीं माने और ये केस दाग दिए। आज उस प्रॉपर्टी की कीमत है 2 लाख रुपए, मगर तुम जानते हो आज तक इस मुकदमे के लिए हमारे तरफ से कितना रुपया खर्च हो चुका है? हाँ सर, 4.25 लाख रुपए। इतना ही नहीं, ये केस लड़ते लड़ते 6 वकील मर गए, ये 7वां है। समझ गए ना, अब ये केस हमारे खानदान की इज्जत का सवाल हो गया है। इसी चक्कर में मैं बनारस गया था शास्त्री जी से मिलने, उन्होंने केस जीतने के 2 उपाय बताए। वो क्या सर? पहले ये बताओ हमारे 7वें वकील का नाम क्या है? नारायण पांडे। सत्यानाश हो गया। क्यों सर, क्या हुआ? अरे शास्त्री जी ने कहा है जीतने के लिए हमारे वकील का नाम रायप्पा से शुरू होना चाहिए। तो फिर ठीक ही तो है सर, उनका असली नाम है राज नारायण पांडे। तो राज छोड़ क्यों दिया? मुवक्किल नहीं आते थे, नाम सुनते ही पॉलिटिशियन समझ के भाग जाते थे वो। दूसरा उपाय बताइए। दूसरा उपाय यह है कि केस की पुकार 2:30 बजे के बाद होनी चाहिए, क्योंकि उस समय मंगल और गुरु का संयोग होगा। वो सब हो जाएगा सर, सिर्फ 20-25 रुपए ज्यादा लगेंगे। गजानन जी बड़े भैया, राम प्रसाद को 20-25 रुपए ज्यादा दे दो। 20 रुपए या 25 रुपए? 20। डैडी। अरे सुमी बेटी कितने दिनों के बाद आई। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। नारियल की मिठाई, किसने बनाई? मैंने, नानी कहती है माँ बनाया करती थी आपके लिए। आपको बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है। राम भैया ये लीजिए, गजा अंकल आप भी लीजिए। जब तक तुम 20 रुपए 10 पैसे के हिसाब नहीं दोगे, 10 रुपए 20 पैसे बड़े भैया, हाँ वही, तब तक तुम्हें मिठाई भी नहीं मिलेगी। खाओ राम प्रसाद, तुम खाओ, चल बेटी। हाँ डैडी, नानी इंतजार कर रही है। चल। मैनेजर साहब पैसे दे दीजिए, ट्रेन पकड़नी है। कितना चाहिए? 500 रुपए वकील की फीस, 200 राह खर्च, और ऊपर से वो 20 रुपए। मुझे एक एक पाई का हिसाब चाहिए, समझे? एक ग्लास पानी पीऊंगा तो उसकी भी रसीद लेता आऊंगा। देना पड़ेगा तुम्हें, समझे?
चलो। 12 साल हो गए अहिल्या को गुजरे हुए, मेरी तो वो इकलौती बेटी थी, मैंने सबर किया कि नहीं, लेकिन तुम्हें न तो खाने पीने का होश है न घर का ख्याल, इतने बड़े घर को कबार खाना बना रखा है, खाओ। ये सब शनि की शरारत है माँ जी। आग लगे तुम्हारे शनि और बुध में। पहले मैं समझती थी कि अहिल्या के शोक में तुम्हारा दिमाग चल गया है, लेकिन अब ये साधु संतों की चौखट की धूल तुम्हारे लिए नशा हो गई है, सिर्फ नशा। अब ये नशा छोड़ो भवानी, अपना घर देखो, बेटी को संभालो। बदनसीब है ये लड़की, माँ बचपन में गुजर गई और बाप साधु संतों और ग्रहों के चक्कर में फंस गया। बच्ची का बचपन तो अकेला रह गया ना, मैं इसे छोड़ने आई हूँ तुम्हारे पास। माँ जी बस और 4-5 महीने, जब तक शनि की दशा ठीक ना हो तब तक तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना। बबुआ मतलब काली शंकर की शादी हो जाने दीजिए, मैं सुमिता को जरूर घर ले आऊंगा। अमरूद, पहले पप्पी। ना 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 ना, पप्पी की हड़ताल है चाचा जी, आज आपसे मेरा एक सवाल है चाचा जी। अरे 80 मॉडल मर्सिडीज से ज्यादा प्यारी सुम्मी, जो मांगेगी वही मिलेगा अगर मिलेगी चुम्मी। तो वादा करो कि नए नए कपड़े सिलवाऊंगा। कपड़े सिलवाऊंगा? वादा करो कि उन कपड़ों में मैं इत्र लगाऊंगा। अरे इत्र भी लगाऊंगा। वादा करो कि जीप नहीं घोड़े पर जाऊंगा। अरे घोड़े, घोड़े पे क्यों, क्या बात है? एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है, एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है, हर घर में एक अनोखी चीज आने वाली है। अरे भैया ने फिर कोई लड़की देखी है, तेरी चाची बुलडोजर आने वाली है, एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है। दिन और रात की खिटखिट होगी हॉर्न बजाएगी, अच्छे खासे घर को वो गराज बनाएगी। दिन और रात की खिटखिट होगी हॉर्न बजाएगी, अच्छे खासे घर को वो गराज बनाएगी। अरे आपको ए भाई चाची से खतरा लगता है, शादी हो जाए तो देखिए कैसा लगता है, आ आएगी ही अब तो वो जो आने वाली है, एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है, आ घर में एक अनोखी चीज आने वाली है। अरे भैया ने फिर कोई लड़की देखी है, तेरी चाची बुलडोजर आने वाली है, एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है। जाने अब क्या होगा वो क्या हाल बनाएगी, मुंह से खाता था वो ना को चने चबाएगी। जाने अब क्या होगा वो क्या हाल बनाएगी, मुंह से खाता था वो ना को चने चबाएगी। गोभी आलू बने तो कहना आलू गोभी दे, पान खाना पान खाना पापी जो भी दे, अरे आएगी ही अब तो वो जो आने वाली है, एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है, घर में एक अनोखी चीज आने वाली है। अरे भैया ने फिर कोई लड़की देखी है, तेरी चाची बुलडोजर आने वाली है। पर शर्मा जी मेरा नाम राजनारायण तो है ही नहीं। वो मुझे पता है वकील साहब, और मुझे पर्सनली आपके नाम पे कोई इतराज नहीं। नारायण पांडे बहुत अच्छा नाम है, पर मेरे मालिक को र अक्षर से शुरू होने वाले नाम का वकील चाहिए। कमाल की चीज है आपके मालिक भी। अब एक दया और कीजिए। माफ कीजिए, मैं अपने बाप का नाम नहीं बदल सकूंगा। नहीं नहीं वो बात नहीं है, वैसे भी आपके पिताजी तक बात नहीं पहुंचेगी, हो सकता है मालिक आपसे पत्र व्यवहार करे, तो इतना जरूर लिखिएगा
कि केस ठीक 2:30 बजे पुकारा गया। पर कॉज रीस पर तो पहला केस अपना ही है। वो भी मुझे पता है वकील साहब कि केस 10:30 बजे शुरू हो रहा है। 2:30 बजे तो सिर्फ मालिक को बताने के लिए। चलिए चलिए कोर्ट का समय हो रहा है। हाँ चलिए चलिए। तुम तो किसी खाते पीते घर के घर जमाई बनकर रहने के सिवा कुछ और काम का ही नहीं हो। खातों में इतना घपला, हिसाब उसाब कभी खुद भी देख लिया करो। सारा काम मुनीमों पर छोड़ कर रखा है। नहीं भैया, वो हिसाब तो मैं खुद ही देखता हूं, पर वो जरा सी गलती। जरा सी गलती? जरा सी गलती? सर 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 सर। अरे पहले सांस ठीक करो। नहीं सर, ये खुशी की खबर सुनाते सुनाते मैं मर जाऊं तो समझूंगा जिंदगी बेकार नहीं गई। सर हम केस जीत गए सर। ठीक है। जीत गए? अरे हम केस जीत गए। जीत गए, अरे हम जीत गए, अरे हम जीत गए। मगर मगर तार तो देना चाहिए था। हाँ तार तो देना चाहिए था। हाँ तार तो देना चाहिए था, मगर ये खबर मैं खुद सुनाना चाहता था सर। ये खबर सुन के आपकी जो आपके चेहरे पे जो खुशी का रंग आया, वही मेरा इनाम है सर। शाबाश। पर कोई कोर कसर तो नहीं है? वो लोग फिर कोई फुंदा लगा दे। सवाल ही नहीं है सर। कोर कसर तो तब रहती जब केस 2:30 से पहले पुकारा जाता। ठीक 2:30 बजे पुकार पड़वाई। हाँ लेकिन सर पहले मुंह तो मीठा कीजिए। लीजिए पहला लड्डू तुम खाओ। नहीं, स्वर्गीय दादा की तरफ से पहला लड्डू मैं खाऊंगा। स्वर्गीय पिताजी की तरफ से एक और हो जाए। हाँ क्यों नहीं हो जाए। माय बॉय, तुमने बहुत बड़ा काम किया। गॉड ब्लेस यू। इसलिए तुमको बहुत बड़ा इंक्रीमेंट मिलेगा। गजानन जी, इसकी तनख्वाह आज से महीने में 5 रुपए 5 रुपए बढ़ा दी गई। क्यों खुश ना? 5 रुपए। और मैंने तुम्हें उस बाग और कोठी का इंचार्ज भी बनाया। वहां जाओ, मरम्मत करवाओ, रंग रोगन करवाओ, ताकि हम महीने में 2-4 दिन वहां जाकर रह सके और विचार कर सके। और सुमिता की मां की आत्मा से वहीं मुलाकात होगी। आखिर 53 साल के बाद हम जीत ही गए। शाबाश राम प्रसाद, तुमने कमाल कर दिया। हम खुश हुए, इसलिए इस खुशी के मौके पे कुछ जश्न वशन हो जाना चाहिए। मगर छोटे भैया, अबे ओ, जो बात साली मगर से शुरू हो वो बात ही गलत है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि बड़े भैया तो चले गए देहरादून, 10-12 दिन में लौटेंगे, उनके आने के बाद ही जश्न होना चाहिए ना। देख लिया राम प्रसाद, जब भगवान अकल बांट रहे थे तो ये लंगूरचंद कबड्डी खेलने गए हुए थे। अबे ओ चपंडूक, बड़े भैया के सामने हंसना तो क्या, बात तक नहीं कर सकता हूं डर के मारे। जश्न क्या मनेगा ठेंगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। छोटे भैया, ये बीड़ा उसी को दे दे, गुलाबी बाई को। वाह वाह, ताकि बड़े भैया घर आते ही मुझे जूते मार के घर से निकाल दे। अबे ओ गजानन जी, यही वजह है तुझे बार बार मैं गधानंद कहता हूं। राम प्रसाद जी, मैं समझ गया छोटे मालिक। समझ गया? अबे मैंने कुछ बोला ही नहीं, समझ क्या गया तू? क्या समझा? कोई नाटक करवाया जाए। अरे जैसे रानी पद्मिनी, झांसी की रानी, राम सीता की कहानी। अरे बाल मुकुंद, इसे कहते हैं अकल। लिफाफा बगैर खोले हुए पूरी की पूरी चिट्ठी पढ़ ली। कोई भांड मंडली है तुम्हारी नजरों में? जी हाँ, मेरा एक दोस्त है बिरजू, नाटक कंपनी में ही काम करता है। परसों ही उसकी चिट्ठी आई थी, अगर आप कहें तो उसी नाटक मंडली को। सुमी को भी खबर कर दो। अरे हे भगवान, अरे इसे कौन समझाएगा? अबे कभी कभी तो अकल की बात किया करो। सुमी बिटिया आएगी तो उसके साथ उसकी नानी का दुमछल्ला भी आएगा या नहीं आएगा? आएगा, आएगा। और नानी का दुमछल्ला आएगा तो क्या हम लोग भांग पी सकेंगे? नहीं। दंग मचा सकेंगे? नहीं। क्या बात करता है राम प्रसाद। और अगर भांग न पिए और हुड़दंग न मचाएं तो फिर जश्न कैसा बताइए? फिर जश्न कैसा? शाबाश राम प्रसाद, इसलिए तुम फौरन लपक जाओ पतली गली से।
नाटक बिल्कुल फर्स्ट क्लास होना चाहिए, नहीं तो छोटे मालिक मेरे खोपड़ी पे तीन ताल बजा देंगे। अरे यार तू फिक्र क्यों करता है, हमारी कंपनी का सीतारण तो सारे देश में मशहूर है। पिछले हफ्ते रावण के रोल में गुरुजी को और लक्ष्मण के रोल में मुझे मेडल मिला था, मेडल। बहुत अच्छा। अच्छा सुन, मास्टर जी और कुसुम कैसे हैं? ठीक है, अभी कुछ दिन पहले कुसुम से मिल के आया हूँ। चलता हूँ यार गुरुजी को चाय देने, शाम को स्टेज पे मिलेंगे। अच्छा जाओ लखन मेरा फटता जिया, जाने किन मुश्किलों में पड़े हैं पिया। आप बेकार दिल को कुढ़ाती है माँ, राम के सामने तो झुका है जहाँ, झुका है जहाँ। जाके भाई को अपने बचाओ लखन, हुक्म देती हूँ मैं, जाओ जाओ लखन। हुक्म मैं आपका टाल सकता नहीं, आपको छोड़कर जा भी सकता नहीं। जाना ही पड़ेगा भैया। इन बहानों का मतलब तो बस एक है, अब तुम्हारा इरादा नहीं नेक है। हाय, क्या कहा हाय माँ? सच ही बोली जुबा, पुत्र हूँ आपका, तू घड़ा पाप का। हाय, ऐ आसमां तू टूट पड़, ऐ जमीन तू फूट जा, आ प्रलय तू कर फैसला सही और झूठ का। लीजिए आपको छोड़ जाता हूँ मैं, भाई की आज्ञा तोड़ जाता हूँ मैं। बनाओ बनाओ खूब रेखा बनाओ, मगर ये मानेंगी नहीं, बाहर जरूर जाएंगी। भांग रे, सिर्फ इतनी दया मुझ पे फरमाइए, पांव इस रेखा के बाहर न ले जाइए। भांग रे चंदू, अभी आएगा साला रावणवा, देख आ गया साला। आलख निरंजन, दे दाता के नाम प्राणी, दान है ऊंचा काम प्राणी, नीचे देगा तब तू ऊपर पाएगा आराम प्राणी। दे दाता के नाम प्राणी। लीजिए महाराज। माई तू तो धर्म से ही अनजान है, ये बंदी भीख तो साधु का अपमान है। बाहर आने की मुझको इजाजत नहीं, भीतर आने में मेरी भी इज्जत नहीं। मैं हूँ मजबूर, भगवान न जिद कीजिए। तो मैं चला भीख तेरी बिना ही लिए, जैया लख निरंजन। लाज रघुकुल के हरगिज घटेगी नहीं, लीजिए लीजिए ये भिक्षा मिलेगी वहीं। लीजिए महाराज। खबरदार, साला घोचू। अबे छोड़। अबे ओ रावणवा, मेरे सामने नारी की बेइज्जती, साला खोच, निकल। आप बकर बकर मेरा मुंह क्या देख रही हैं? पति रामचंद्र जी ने समझाया ये सब वहम है, नहीं माना। देवर लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं माना। चलिए जाइए लक्ष्मण रेखा के अंदर, जाइए। अरे आप क्या कर रहे हैं आप? अबे ओ लखनवे रे, तुझे भगवान रामचंद्र जी ने कहा था कि सीता मैया का ख्याल रखना, और तुम सीता मैया की 2-3 डांट सुनते ही लक्ष्मण रेखा खींच के पतली गली से टरक गए। लाले यही है तुम्हारी भ्रातृ भक्ति। कान पकड़, बैठ। राम, ए देखो लाले, बड़े भाई को नाम लेकर बुलाता है राम, दोबारा ऐसी बदतमीजी की न लाले तो बत्ती। ये रामचंद्र जी को नहीं पुकार रहा था तो? ये तो मुझे राम को पुकार रहा है। ये तो बिरजू है, मेरा दोस्त बिरजू। ये तो नाटक खेलने आया है ना। अरे हाँ, नाटक। अरे तभी मैंने कहा, मैंने साला रावण को घुमा के एक थप्पड़ मारा, वो दुम दबाकर भाग गया, लड़ने तक नहीं आया। साला मैं ही बौड़म दास। अरे रावण,
रावण जी, रावण बाबू, आप खेलो, नाटक करो, तमाशा करो। मेरे से नाटक नहीं खेला जाएगा, नाटक नहीं खेला जाएगा तो सीधा हरण क्या हमारा बाप करेगा? अरे तुम रावण के बाप हो, तुम हरण करो। अच्छा, माई ड्यूटी। साला घोचू रावण की औलाद, जिंदगी भर रावण ही रहेगा तू साला। नमस्ते, राम प्रसाद कहाँ है? उधर। तुम यही ठहरो। हाँ आइए मुनीम जी, आइए। बाप रे, क्या महंगाई है, बस स्टॉप से आने जाने का एक रुपया। अरे आप पीछे नदी के रास्ते से क्यों नहीं आए, शॉर्टकट है। बुढ़ापे में इतना भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ। यहाँ तो मालूम पड़ता गायों में बांधी जाती थी, अब एक बैल रहता है। बैल? आइए बैठिए। ये मैनेजर बाबू ने 200 रुपए भेजे हैं, संभालो, और पिछला सारा हिसाब मांगा है। अजी हिसाब बिल्कुल तैयार है, एक मिनट। लीजिए। अच्छा चलता हूँ। नहीं नहीं, खाना तैयार हुआ जा रहा है, खा के जाइए। नहीं नहीं, स्कूटर खड़ा है, मैं चलता हूँ। अच्छा। अरे तुम्हारे गांव से एक आदमी आया था, तुम्हारे लिए एक पैकेट दे गया, भेजने वाले को पता नहीं था तुम आजकल यहाँ रहते हो। अच्छा चलता हूँ। अच्छा आप अपना रुमाल छोड़ गए थे, भेज रही हूँ, पिताजी आपको बहुत याद करते हैं, कुसुम। कुसुम, तुम्हारी चिट्ठी मिली, जरा देर से मिली क्योंकि आजकल मैं इस पते पे रहता हूं। रुमाल मिला, इस पे तुमने जो फूल बना दिए हैं उससे मेरे जिंदगी में एक महक सी आ गई। कुसी, मेरी जिंदगी तो एक सूखा पेड़ है जिसपे फूल आने की बात तो छोड़ो, पत्ते भी आने की उम्मीद नहीं। इसलिए तुम्हारी ये चिट्ठी मेरे लिए क्या माने रखती है तुम नहीं समझोगी। चाचा जी को प्रणाम। कुछ दिन पहले मैं बिरजू से मिला था, वो अच्छा है। बिरजू, ए बिरजू। जी गुरुजी। क्या सोच रहा है बेटा? पिताजी और कुसुम की बहुत याद आ रही है, पता नहीं वो लोग किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए तो तुझे यहां लाया हूं। मेरे कंपनी में काम करे तो ऐसे ही 40-50 रुपया महीना मिलेगा, मगर ये रत्ना की कंपनी है, जमी जमाई कंपनी है, मैंने उससे बात भी की है, वो मेरा कहना नहीं टालेगी। तू एक काम कर, 200 से एक पैसा भी कम नहीं मांगना। अरे 200 मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ बचा कर घर तो बेच सकता है, कुछ तो परेशानी कम हो जाएगी। क्यों? मगर सुन, रत्ना बड़ी तेज औरत है, अच्छे अच्छों को कच्चा खा गई है, समझ गए ना? अरे गुरुजी, आप जाइए, अंदर जाइए ना। हाँ अभी जाता हूँ, तू जरा इधर ही ठहरना। रत्ना। अरे गुरुजी,
आइए आइए ना। जी जी रो बेटी। बैठिए। ये क्या रत्ना, सवेरे सवेरे पीना शुरू कर दिया आजकल। अपने लिए सवेरा क्या और शाम क्या गुरुजी, अंधेरा शाम को भी, अंधेरा सवेरे को भी। जिंदगी दारू नहीं रत्ना, खत्म हो जाए तो बाजार से दूसरी बोतल मंगा लो, जिंदगी बहुत कीमती चीज है। हर, अपनी सुना, नाटक कंपनी कैसी चल रही है? ये 22 को बहुत आफत जोत रहा है, नादान पब्लिक समझती नहीं सिनेमा में नाटक वाली बात का। अब सोचता हूँ रत्ना, ये सब छोड़ छाड़ के गांव में पान बीड़ी की दुकान खोल लूं और ग्राहकों को पुराने नाटकों के सीन सुनाऊं। खैर अपना दुखड़ा जाने दे। अच्छा याद है, एक लड़के के बारे में मैंने तुम्हें कहा था, बड़ा होनहार कलाकार है, अपने पास रख लो। आपके कहने पर रख लो या एक बार? नहीं नहीं, खुद पर रख लो, अभी भेजता हूं। जा अंदर जा, आज तेरी दोहरी परीक्षा है, कला की भी और कलाकार की भी, समझे? जीते रहो जीते रहो, बच के रहना। माँ सरस्वती, बचा लेना इसको रत्ना से। अंदर आ। ये तीरघाट क्या खड़ा है, इधर आके बैठ। मेरी कंपनी में तो काम करना चाहता है ना? ए, गुंगे का पार्ट नहीं है मेरे पास। दूसरा कौन सा पार्ट करेगा तू? ये आप तू करके बातें क्यों कर रही हैं? अच्छा, तो तुझे बुरा लग रहा है? तेरी उम्र क्या है? 24 साल। मैं 30 की हूं, तुझसे 6 साल बड़ी, तुझे तू नहीं कह सकती। अगर उम्र के लिहाज से कहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मार्किन के लिहाज से कहा है तो। तेरे में कलाकार की तेड़ है रे, मरेगा मरेगा तू। खैर, तनखा कितनी लेगा? 200 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा। 200? जी हाँ। जिसकी जगह में तुमको रखूंगी वो 100 रुपया तनखा पाता था और एक्टिंग करने के सिवा मेरे सर पाव भी दबाता था, ये सब करेगा तू? कलाकार अपने माता पिता और गुरु को छोड़कर और किसी के पाव को हाथ नहीं लगाता, समझे आप? नमस्ते। अरे अरे ठहर तू, बाप रे बाप, इतना गुस्सा? गुस्से की बात करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा बाबा, 200 ही दूंगी, हाथ पाव भी नहीं दबवाऊंगी। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी कंपनी में कई लड़कियां हैं, जरा भी परपुर्जा निकाला तो लात मारकर बाहर निकाल दूंगी, समझे? लात मारकर। नाश्ता किया? जी। मैंने पूछा नाश्ता किया? जी नहीं। अच्छा जा, गुरुजी को बुला के ले, मिलकर ही नाश्ता करेंगे। अरे सर आप, अरे वाह, ये कोठी तो बड़ी अच्छी लगने लगी है, आइए ना अंदर आइए। नहीं नहीं रामप्रसाद, गृह प्रवेश के पहले अंदर नहीं जाऊंगा, उसी का मुहूर्त निकालने के लिए मैं बनारस जा रहा हूँ शास्त्री जी के पास, वहां और भी काम है, लौटने में 15-20 दिन लग जाएंगे, उसके बाद यही रहूंगा। मुझे यकीन है यही पर स्वर्गीय पत्नी की आत्मा से मेरी मुलाकात होगी। अच्छा हुआ सर कि आप आ गए, मैं वैसे खुद आने वाला था, अपने बगीचे में नए अमरूद आए हैं ना। अमरूद? एक काम करो, तुम मेरे साथ स्टेशन तक चलो, मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ देता हूँ, तुम शहर चले जाओ और सुमी बेटी को अमरूद दे देना, उसे बहुत पसंद है।
सुनो, ये शास्त्री वाली बात का जिक्र सुमी की नानी से मत करना, चिढ़ती है ना। मुझे मालूम है सर, मैं एक मिनट में आया हूँ। सुमी, राम को पूछ के आ, खाना लगवाऊं? अभी कहां से खाना खाएंगे, हम दोनों ने इतने इतने बड़े चार चार अमरूद जो खा लिए थे। तो भी पूछ के तो आ, शर्मिला लड़का है, भूख लगी होगी तो भी कहेगा नहीं। अच्छा जा। राम भैया, आप जब भी यहाँ आते हैं माँ की तस्वीर बड़े ध्यान से देखते हैं। माँ जी बिल्कुल माँ जैसी दिखती है ना, तुम्हारी ही नहीं सबकी। देखने में बिल्कुल मेरे जैसी है ना? ना, तुम उन जैसी हो। मैं कहाँ इतनी सुंदर हूँ, कितनी प्यारी मुस्कान है इनकी। सुना है माँ जी बहुत अच्छा गाती थी। बहुत अच्छा, नानी माँ बताती है बाबा रात रात भर उनसे गाना सुना करते थे, इसीलिए तो उनके स्वर्गवास के बाद इतने अकेले हो गए। तुम्हें भी तो बहुत याद आती होगी माँ की। बहुत, अक्सर सपने में दिखाई देती है, कहती है सुमी तेरे बाबा को देखने वाला कोई नहीं, तू जाके उनकी देखभाल कर। मैं भी बहुत चाहती हूँ, मगर क्या करूँ राम भैया, पढ़ाई की वजह से नानी माँ ने यहाँ रोक रखा है। इस बार इम्तिहान खत्म होते ही वहां जाकर रहूंगी, बाबा की खूब सेवा करूंगी, उन्हें गाना सुनाया करूंगी। मुझे भी सुनाओ ना। हाँ, मेरी भी तो माँ नहीं है, जब भी इन्हें देखता हूँ अपनी माँ याद आती है, सुनाओ ना।
भोलुआ जी साहब, ये सब किसका है? ये सब आपके चाचा जी का है। चाचा जी का? हाँ, अभी अभी गांव से आए हैं, साथ में उनकी बेटी भी है। अच्छा तू जा। अच्छा साथ। अरे राम तुम आ गए बेटा, खुशी राम आ गए। जी तेरा। चाचा जी आप यहाँ क्या करूं बेटा, जिस मकान के सहारे गांव में पड़े थे ना, वो भी महाजन ने डिक्री करवा के खाली करवा दिया। अब मैं बूढ़ा आदमी इस लड़की को लेके कहाँ जाता, तुम्हारे सिवा और मेरा है भी कौन सहारा। वो तो ठीक है चाचा जी, लेकिन बात यह है कि बड़े मालिक ने 53 साल मुकदमा लड़के इस कोठी पे कब्जा पाया है, अब यहीं रहेंगे वो। ओह, तब तो बेटा हमने तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल दिया। नहीं नहीं कुर्सी, ओह तू यहीं है, तुम फिक्र ना करो बेटा, हम कहीं भी चले जाते हैं। नहीं नहीं, बड़े मालिक के आने में कुछ दिन की देर है, तब तक कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप ऐसा कीजिए, आप अंदर जाके हाथ मुंह धो लीजिए, आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा चल बेटा चल। मैं सोच रहा था कि कमरा इतना सुहागन कैसे लगने लगा, यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतनी जगह कैसे हो गई? मालूम नहीं कैसे रहते थे आप इस हालत में। क्या बताऊं कुसुम, अपनी हालत भी तो ऐसी ही है। हम लोगों ने आकर और मुसीबत बढ़ा दी आपकी। अरे नहीं नहीं, मुसीबत कैसी, फिर बुलवा को जबरदस्ती छुट्टी क्यों दे दी? अरे बिल्कुल निकम्मा था, देखा नहीं कमरे की क्या हालत बना रखी थी। सिर्फ इसलिए या इस डर से कि हमारे आने की खबर आपके मालिक तक ना पहुंचा दे? मैं क्या अंधी हूं, देख नहीं सकती? आपके मुंह पर हमेशा बोझ की परछाइयां रहती हैं आजकल। मैंने तो पिताजी को बार बार मना किया था। कुसुम, मुसीबत तो गरीब की किस्मत में ही लिखी रहती है, पर मुझे तो इस मुसीबत में भी एक खुशी है। इस मुसीबत ने ही तो हमें फिर मिलने का मौका दिया है। ये भी अच्छी तसल्ली है। अच्छा पहले ये बताओ, मेरा खाना बनाने का सामान कहाँ गया? अब आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं, खाना मैं बनाऊंगी। क्यों आदत बिगाड़ रही हो मेरी, हमेशा तो तुम खाना बना नहीं पाओगी मेरा। कोई किस्मत वाला आके ले जाएगा तुम्हें और मेरा फिर यही हाल हो जाएगा। कुसी सुनो। और क्या सुनाना है, सब कुछ तो सुना दिया। अब तुम्हें कैसे समझाऊं कैसी अजीब उलझन में हूं मैं। जब से तुम आई हो जिंदगी मुझे बहुत ललचा रही है, पर शादी करने के ना तो मेरी हालत है ना हिम्मत। लेकिन इस सपने तक को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि तुम किसी और की हो जाओ। Okay.
आइए 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 मुनीम जी आइए, छुट्टी मना रहा हूं। रामप्रसाद से हिसाब लाए? रामप्रसाद से तो अब आप ही को हिसाब लेना पड़ेगा। बात क्या है मुनीम जी? बात आप खुद कोठी में जाकर देख लीजिए। क्यों, साफ साफ बताइए ना, हुआ क्या? कोठी में एक बुड्ढा घुस आया है। हा? हाँ, लगता है राम ने ही उसे वहां रखा है, मगर उसका भी क्या कसूर, हम आप होते तो यही करते। वो है ही ऐसी, देखते ही आंखें चौंधिया जा। वो कौन? उठे की छोकरी, जिया तो मरा तो झुक झुक पड़ा था, यही चितवा था एक बार, मतलब समझे ना? हाँ 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 हाँ, क्या नाचती है, क्या गाती है, हाँ हाँ। क्या उम्र होगी उसकी? यही कोई 20-22 साल। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आप मेहरबानी करके सामने के दरवाजे से आइए, मैं पिताजी को भेजती हूँ।
अरे मैनेजर बाबू आप यहाँ, क्या तो भाग गया है। अरे कुसुम बेटी इनके लिए कुछ लाओ। कहिए क्या सेवा करूं? आप इस कोठी में कैसे आ गए? क्या वो राम प्रसाद ने? नहीं नहीं उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, मैं ही जबरदस्ती घुसाया। क्या करूं मैनेजर बाबू, घर से बेघर हो गया, बड़ी मुसीबत कमा रहा हूं। नहीं मुसीबत तो आपने अभी देखी नहीं, मुसीबत का नाम है भवानी शंकर वाजपेयी। ये कौन है? मेरी लड़की। बस गले का कांटा कहिए, ना बाहर आता है ना अंदर जाता, इसी की वजह से तो मारा मारा फिर रहा हूं। अब जवान लड़की को लेके कहां जाऊं? इसकी शादी कर दूं, ये मकान खाली कर दूंगा। नहीं नहीं आप इतना परेशान मत होइए, मैं देखूंगा। एक गिलास पानी और मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं। कुसुम बेटा एक गिलास पानी ले आना जल्दी से। सुना है बड़े मालिक बड़े गर्म मिजाज के आदमी है। हाँ है, तो जरा सी बात हो जाए तो दिवाली के पटाखे की तरह ठाए। लेकिन मैं भी तो मैनेजर हूं, आज सब कुछ मेरे ही हाथ में है, आप फिक्र मत कीजिए। पानी अभी तक इसकी शादी क्यों नहीं तय की आपने? कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है मैनेजर बाबू। कैसा लड़का चाहिए आपको? अरे हमें राजा महाराजा थोड़े ही मिलेगा, खाता कमाता आदमी हो, रहने को घर हो बस। अगर आप पसंद करें तो मैं एक लड़का बता सकता हूं। कौन? आपके सामने बैठा। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था मैनेजर बाबू, मेरी बेटी की किस्मत में इतना सुख। तो इसमें दुखी होने की क्या बात? दुखी ना हो तो क्या, नाचू? नहीं नहीं नाचने की जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ चाचा जी की क्या राय है? चाचा जी तो बैठे बैठे गुनगुना रहे हैं, इतने खुश हैं कि। खुश क्यों ना होंगे, कहां एक क्लर्क पर उम्मीद लगाए बैठे थे और कहां एक लंबी चौड़ी स्टेट का मैनेजर मिल गया है जो। रुक क्यों गए, कहो कहते जाओ। जो थोड़ी बहुत दारू पी लेता है, चाल चलन भी तुमने देख ही लिया। पर हाँ एक बात तो माननी पड़ेगी, उसकी तनख्वाह मुझसे डबल है, ऊपर की कमाई अलग से। मेरा सत्यानाश होने जा रहा है और तुम्हें मजाक सूझता है? कैसे आदमी हो तुम? आदमी? मैं? तुमसे किसने कहा मैं आदमी हूं? अगर आदमी होता तो जिस रात चाचा जी ने तुमसे शादी की बात चलाई थी उसी रात मानने जाता। अगर आदमी होता तो तुम दोनों का सर छुपाने के लिए किसी दूसरी जगह का बंदोबस्त न कर लेता। अगर आदमी होता तो नहीं खुशी, मैं आदमी कहा हूं, मैं तो गरीब हूं। मुझे माफ कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे सिवा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, कोई रास्ता निकालो। रास्ता ना, रास्ता ना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकल यहां से, निकल। छोटे बाबू बस एक बार और माफ कर दीजिए। साला जाता है उल्टा खूंटी से लड़का दूं, बोल। साला औरत पे हाथ उठाता है, है? औरत पे हाथ उठाता है। नहीं छोटे बाबू, इस बार पहले बीवी ने ही मुझ पर हाथ उठाया था। अबे कैसा मर्द है तू, नारी की इज्जत करने की बजाय उस पे हाथ उठाता है। निकल यहां से, निकल निकल पतली गली से। छोटे मालिक, छोटे मालिक। क्या हुआ राम प्रसाद? छोटे मालिक बड़ी मुसीबत आ गई है, अपनी वो बाग वाली कोठी है ना, एक बुड्ढा अपनी बेटी समेत घुस आया। घुस आया? और तुम्हें घुसने को दिया? नहीं नहीं मैं तो उस वक्त अपनी सुमी बेटी के यहाँ अमृत देने गया था ना, जैसे वापस आया क्या देखता हूँ दोनों जम गए। जम गए? मलाई बर्फ है जो जम गए? अबे जूते की गर्मी देते पिघल जाते वो। लेकिन पहले आप पूरी बात तो सुन लीजिए, बुड्ढे को मैंने समझाया और वो निकलने पे तैयार भी हो गया था, इतने में अपने मैनेजर बाबू आ गए और बुड्ढे की लड़की को देख के लट्टू हो गए उस पे। कहने लगे नहीं नहीं कोठी छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको यहाँ रहने की इजाजत मैं देता हूँ। हाँ लेकिन एक शर्त पर, आप अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दीजिए। कहने लगे ये साला गजानन तो सौदा करने लगा। जब ही तो आया भागा भागा आपके पास छोटे मालिक, लड़की तो रो रो के जान दिए जा रही है छोटे मालिक, कहती है अगर ये शादी हुई तो मैं तो आग में कूद के जान दे दूंगी पद्मिनी की तरह। तो मैंने लड़की को समझाया कि मैं छोटे मालिक के पास जाता हूँ, वो औरत जात की बेइज्जती कभी सहन नहीं कर सकते, वो ये शादी जरूर रुकवा देंगे।
अब आप ही सोचिए छोटे मालिक, अगर जबरदस्ती ये शादी हुई और लड़की ने अगर आत्महत्या कर ली तो धब्बा तो आपके खानदान पर ही लगेगा ना। आखिर मैनेजर बाबू हैं तो आप ही के खानदान के। साला गजानंद को इतनी मस्ती चढ़ गई। तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चले आए। तो मैं ही चारो, मैं अभी आता हूं। बेटा गजा, अब आएगा मजा। हाँ, आप जरा बाहर जाइए, आप भी, और आप जरा इधर आइए। जी छोटे भैया। कुछ नहीं, आपके कार्बोरेटर का कचरा निकालना है जरा। हमारी इस स्टेट का मैनेजर कौन है? जी मैं। और हमारी जायदाद को संभालने की जिम्मेदारी किस पे? जी वो भी मेरी। तो फिर वो बुड्ढा कैसे घुस गया बाग वाली कोठी में, और उस बुड्ढे को निकालने के बजाय उसकी लौंडिया से शादी का चक्कर चलाया आपने? नहीं नहीं, मेरा मतलब था। अरे तेरा मतलब तो मैं समझ गया, तुझे बहुत शादी का जोश चढ़ा है ना साला घोचू। खटिया से बांध कर शमशान ले जाऊंगा तेरी शादी कराने के लिए। नहीं नहीं, नहीं, नहीं भैया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद ही निकालने का बंदोबस्त करता हूँ। अब जो करना है मैं करूंगा। साला फिर कभी उधर कदम रखा ना तो सीधा गराज ले जाकर ऐसी ओवरहॉलिंग करूंगा कि सेकंड हैंड में भी कोई नहीं खरीदेगा, सीधे चोर बाजार जाना पड़ेगा, समझा साला गधा? समझ गया। साला पुल्लू का गजा साले का तो मैं इंजन बंद करके आ रहा हूं। अब तुम जाओ, जाकर उस बुड्ढे से कहो कि मैं आ रहा हूं, उसके पहले निकल जा शराफत से, वरना साले को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा मैं। अबे ओ चंदू, ले साला एक ग्लास भांग घोट के, सब साले घोचू। सवेरे सवेरे मूड खराब कर दिया। खुशी, खुशी क्या हुआ? इधर आओ, बताता हूँ क्या हुआ। हुआ क्या? अरे सब सत्यानाश हो गया, केचुआ खोदने गए थे, सांप निकला है। क्या मतलब? तुम्हारा वो काम तो हो गया लेकिन बाकी सब काम बिगड़ गए। अब क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? चाचा जी वो आ रहे हैं। कौन? वो कौन? छोटे मालिक। जाने उन्हें कैसे पता चल गया, बड़े खतरनाक आदमी है, बिल्कुल गुंडे, जबरदस्ती निकाल के फेंक देंगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा वो तो नहीं मालूम, बड़ी मुश्किल से भीगे चने और गुड़ लाया हूँ, उनके आते ही उन्हें प्यार से बिठा के ये खिलाना होगा। हाँ। छोटे मालिक के लिए चना गुड़? नहीं नहीं, मैं अभी जाके ताजा मिठाई और चाय की अच्छी पत्ती ले आता। खबरदार खबरदार, इस घर में चाय पीना जहर पीने के समान है। मैं कुछ समझा नहीं। समझाने का वक्त नहीं है चाचा जी, बस इतना याद रखिए, इस घर में चाय पीना जहर पीने के समान है, और आप लोग बस चने गुड़ से मुंह मीठा करते कराते हैं। अब इतने से भी उस राक्षस की आत्मा ठंडी न हुई तब तो हमें फिर भगवान ही बचा सकता है। चल चल, जाइए जाइए, जल्दी चल चल। कोई है इस कोठी में? बाहर हो, कोई है इस कोठी में? बाहर। जी। ओहो, तो अभी तक गए नहीं आप? नीचे उतरिए, आइए आइए ना। तो आप ही हैं जो उस कोठी में जबरदस्ती घुसा है? जी नहीं, हम तो बड़ी मुसीबत। चुप साले, तेरे बाप की कोठी थी जो उठाई तुम और घुस गए अंदर, साला घोचू। छोड़िए ने, छोड़िए, बुजुर्गों से बात करने का यही तरीका सिखाया है आपके खानदान में? शर्म आनी चाहिए आपको। आप तो उस महाजन से भी निकले जिसने हमें हमारे मकान से निकाल बाहर कर दिया था, कम से कम वो बाप तो तमीज से करता था। वो लड़की तो बेइज्जती सहने के पहले ही आग में कूद के जान दे देगी। पद्मिनी की तरह हम अभी इसी वक्त आपकी कोठी खाली कर देते हैं, शायद लगाकर चाटिए अपनी कोठी को, मगर इस वक्त चले जाइए, हट जाइए मेरी नजरों के सामने से। सुनिए 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 ना, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और आप भी सुनिए, आप मेरे पिता समान हैं, मुझसे बड़ी ज्यादती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे बेटी, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? अब फिर घर भी तो इन्हीं का है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जा कुछ ले आ, मुंह मीठा करा इनका। बुरा ना मानिए, बच्ची है, आइए। हाँ, ये आपकी बेटी है? हाँ, गले का कांटा कहिए, ना अंदर जाता है ना बाहर आता। अब आप ही बताइए, इस शादी लायक जवान लड़की को लेके कहाँ जाऊं, कहाँ सर छुपाऊं? आई, थैंक यू। आए लीजिए छोटे मालिक, थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए। क्या लाई बेटी? चना गुड़।
चना गुड़? चना गुड़ तो मुझे बहुत पसंद है। माफ कीजिए, आपको चाय वाय नहीं दे सकते, कुसुम को चाय से सख्त नफरत है। वाह वाह। छोटे मालिक, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, हम जल्दी ये कोठी खाली कर देंगे। नहीं नहीं, अब ऐसी कोई खास जल्दी नहीं है, आप लोग आराम के साथ यही रह सकते हैं। छोटे मालिक भी गए काम से, बेचारे ठंडी सांसें लेते गए। धत। अरे धत क्या, चमकते गरजते आए थे, बिना बरसे ही चले गए। कुछ तो कारण होगा। क्या कारण होगा? लगता है तुम पे आशिक हो गए। जो मुंह में आए बक देते हो। बक नहीं रहा हूं कुसुम जी, ठीक कह रहा हूं। जब गुस्से में आग बबूला होकर डांट रही थी ना, तब तुमने छोटे मालिक का चेहरा नहीं देखा। मैं तो हैरान रह गया, तुम देखने में हो इतनी नरम नरम और बातें करती हो इतनी गरम गरम। एक बात तो माननी पड़ेगी, आज तुमने सांप को केचुआ बना दिया। चना गुड़। चना गुड़। चना गुड़ तो मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें नई बात क्या है छोटे मालिक? अबे अबे ओ, तू यहाँ क्या कर रहा है? भागे से। चना गुड़ नहीं खाएंगे? ना। तो भांग लाऊं? नहीं रे, अब तो भांग भी अच्छी नहीं लगती। आखिर आपको हुआ क्या है छोटे मालिक? कुछ अच्छा नहीं लगता रे, अब तो यही अच्छा लगता है चंदू, कि कुछ अच्छा ना लगे। वो क्या गया आजकल छोटे मालिक को? गाली नहीं, गुस्सा नहीं, 3 दिन में एक बार भी साले घुंचू नहीं बोला। लगता है बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है। नमस्कार। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। मास्टर जी कहाँ हैं? जी बाहर गए हैं। आपसे कुछ वार्तालाप करनी थी। स्वयंवर के बारे में आपके क्या विचार है? स्वयंवर मतलब जिसमें लड़की अपनी इच्छा से अपना पति चुनती है? वो नहीं 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 नहीं, वो स्वयंवर नहीं, वो स्वयंवर जिसमें लड़का अपनी मनपसंद लड़की को जबरदस्ती उठा कर ले जाता है। मेरा मतलब जैसे महाराज भीष्म ने किया था, मेरा मतलब जैसे पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता के साथ किया था। पृथ्वीराज तो संयुक्ता को उसकी मर्जी से ले गए थे, मगर भीष्म अम्बा अम्बिका अम्बालिका को जबरदस्ती उठा ले गए थे। देखिए ना, उनमें से एक को तो आत्महत्या तक करनी पड़ी। क्या किसी लड़की के साथ ऐसी जबरदस्ती करना उचित है? नहीं, कदाचित नहीं, कदापि नहीं, इसे तो हम 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 बलात्कार कहते हैं। वो पिताजी आगे। बलात्कार ज्यादा हो गया। अरे छोटे मालिक, आप क्या से भाग है, कब आए आप? मास्टर जी एक बात बताइए, बलात्कार का अर्थ क्या होता है? क्यों? बलात्कार का अर्थ क्या होता है बताइए ना। बलात्कार यानी रेप, नारी धर्षण। हे भगवान, हे भगवान, मैं भी साला घोचू बोड़म दासी निकला। तो क्या हुआ? कुछ नहीं मास्टर जी। अच्छा एक बात बताइए, आपने कुसुम जी के लिए कोई लड़का देखा क्या? देखा। अच्छा गजानन बाबू, आपके स्टेट मैनेजर। मैनेजर के सर पे दो सींग होते हैं क्या आपके स्टेट मैनेजर? अरे उस साले की 250 रुपए तो तनख्वाह है, और 250 रुपए में कोई गृहस्थी चला सकता है? दिन के लिए कम से कम 2 लीटर दूध चाहिए, और 2 लीटर दूध के दाम हुए 5 रुपए, और 5 रुपए के हिसाब से महीना के 150 रुपए का यहाँ के ना। महीना भर के लिए कम से कम 4 किलो घी चाहिए, और 4 किलो घी के दाम 20 रुपए के हिसाब से 80 रुपए का यहाँ के ना। तो बाकी बचे हुए 20 रुपए में उल्लू का पट्टा गीदड़ के दुम मैनेजर के औलाद वो घोचू खर्चा चला सकेगा? मैनेजर मैनेजर मैनेजर, अजी साहब उससे शादी करने से तो अच्छा है अपनी बेटी का हाथ पर बांध कर उसे किसी कुएं में डाल दीजिए। कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आप उससे अपनी बेटी की शादी करना भी चाहेंगे तो मैं नहीं होने दूंगा। तो फिर मैं क्या करूं छोटे मालिक? हाँ क्या करूं, करो, क्या करूं, हाँ क्या करूं, करने के लिए तो मास्टर जी आप बहुत कुछ। देखिए मास्टर जी,
मुझे घुमा फिरा कर बात करना आता नहीं। मैं असल इस मामले में बिल्कुल बौड़ा हूँ। मैं एक बात आपसे साफ साफ पूछना चाहता हूँ। मेरी तरफ देखिए ना, मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखिए। दामाद के रूप में मैं आपको कैसा लगता हूँ? बधाई हो बधाई भाई। शादी के बाद हमें भी याद रखना। मालकिन बन के थोड़ी बहुत तनख्वाह तो बढ़वा ही सकती हो। फिर मजाक? अरे भाई मुझे क्यों डांटती हो? कसूर तो तुम्हारा ही है। तुमको इतना खूबसूरत बनने की क्या जरूरत थी? जो भी देखता है वही चपड़गट्टू। पर कुसुम, हमारे छोटे मालिक है ना, दिल के बड़े अच्छे हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसे दिल वाले। सुहागरात में हाथ पकड़कर बोलेंगे, सारा घंचू मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हारे सर की कसम, अगर तुमने इस मुसीबत को नहीं टाला तो मेरी लाश इस नदी में तैरती मिलेगी। बाप रे बाप, इतनी बड़ी धमकी। तब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। केचुए के लिए सांप लाया, अब सांप के लिए शेर को लाना पड़ेगा। लेकिन शेर तो गया है बनारस शास्त्री जी के पास। जरा सोचिए शास्त्री जी, 5 साल से इस चौखट की धूल चार रहा हूं। 5 साल में वर तो मिला नहीं लड़की के लिए, अलबत्ता उसका वजन बढ़ गया है 5 साल में 10.5 किलो। तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? जी 5 साल से 30 ही कहता चला आ रहा हूँ। जहरी जहरी। जजमान, आज मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है, मेरे ध्यान में एक बहुत अच्छा वार आया है, बहुत बड़ा जमींदार है। तो बात पक्की कर लीजिए महाराज। पक्की कैसे कर दूं? कोई मामूली बात नहीं है, 100 किस्म की तिकड़ में लड़ानी पड़ेंगी, यहाँ वहाँ कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। मगर आप चिंता मत कीजिए, हर पाप का प्रायश्चित होता है। होता है? होता है ना। जी हाँ, जी हाँ। तो प्रायश्चित का कुछ इलाज करने के लिए खर्च भी तो करना पड़ेगा ना। जी हाँ, जी हाँ। 200। 200 लीजिए महाराज, 200। जहरी जहरी। ये आ गया प्रायश्चित का। हाँ जी। अब पाप की दक्षिणा भी चाहिए। पाप की दक्षिणा कितनी? 200। ये लीजिए महाराज। जहरी जहरी। महाराज अब तो उसकी शादी हो जाएगी ना? अरे कैसे नहीं होगी, अवश्य होगी। कन्या का नाम क्या है? कल्याणी। कल्याणी। का अक्षर से नाम शुरू होता है? का में कुछ गड़बड़ हो तो नाम बदल दूं? नहीं नहीं, नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1.5 बरस में विवाह हो जाएगा आपकी कन्या का। 1.5 बरस? हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर उसमें जरा खर्चा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये मेरे पास है बगला मुखी यंत्र, ये डीलक्स है, 200 रुपया में, आई सॉरी 250 रुपए में है। ये जनाबे मन 6 महीने में शादी करवा सकता है, और इससे भी बढ़िया है मेरे पास जजमान, उसको बोलते हैं सुपर डीलक्स। ये रहा, ये 3 महीने में शादी कराता है, मगर जरा महंगा है। जय हरी। 300 रुपया। अगर 2 सुपर डीलक्स लूं तो विवाह जल्दी हो जाएगा ना? अरे वैसे होगा, 1.5 महीने में हो जाएगा। तो महाराज ये 600 लीजिए, पूरा 1000 हो गया। ठीक है, और आप लीजिए ये 2 सुपर डीलक्स। धन्यवाद महाराज, चलता हूँ महाराज, 1.5 महीने के बाद फिर मिलूंगा। अच्छा, मगर सुनिए, ये आप मिठाई किसके लिए लाए थे? आपके लिए। तो यही रहने दीजिए। अच्छा, जहरा जी। जहरी जहरी। 1000 रुपया। अरे सुनती हो, ओ चंद्रावली जी। अरे इधर आ, इधर आ, वहाँ कहाँ जी जी कर रही है, इधर आ मेरे पास, जरा जल्दी आ, 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 आ बैठ। ये ले चूड़ियों के लिए, और ये है मिठाई, अंदर ले जाओ, रात को खाएंगे। वाह, जहरी जहरी। नमस्ते शास्त्री महाराज। आइए आइए भवानी शंकर जी, आइए पधारिए पधारिए, मैं आप ही का काम कर रहा था। ये लीजिए, सब कुछ विस्तार रूप में लिख दिया है। थैंक यू, मतलब के धन्यवाद धन्यवाद। दैट्स ऑल राइट, मतलब के ठीक है ठीक है। 100 रुपीज, मतलब के 100 रुपया इस कुंडली का। जरूर जरूर। ये लीजिए महाराज। बुधवार 17 तारीख को 9:15 बजे शनि की दशा समाप्त होगी। इस शनि ने बहुत सताया, परंतु मंगल की परछाई का कोई उपाय करना पड़ेगा, तब जाकर शांति मिलेगी। तो उपाय कीजिए महाराज। जय हरी। उपाय करेंगे, उपाय है भी, मगर एक ही, वो है विवाह। विवाह? जी। मैं तो 2-4 बरस से अपनी बेटी की विवाह के बारे में सोच रहा था महाराज। सोचिए, जरूर सोचिए, मगर होगा वही जो माथे पर लिखा है, मनुष्य भाग्य के आगे विवश है। जजमान, मगर मैं तो 50 साल का हो गया महाराज। पुरुष की उम्र का क्या है,
पुरुष तो हीरे की अंगूठी है और हीरे की अंगूठी सदा जवान रहती है, बूढ़ी तो उंगली होती है। ए मैन इज एज ओल्ड एज ही फील्स। जरा रुको चंद्रावली। अरे ओ चंद्रावली, अरे जजमान तो पुत्र समान होता है, इनसे घूंघट कैसा, जा अंदर जा जा जा। आपकी पुत्री? जहरी पुत्री नहीं, हमारी पत्नी है, पत्नी ही। 66 बरस में विवाह किया था, तब ये 15.5 की थी। पर महाराज। हाँ हाँ, इसको खोलिए किताब को और पढ़िए। लग्नेश सहजे षष्ठे सिमतुल्य पराक्रमी सर्वसंपद द्युतमानी द्विभार्या प्रतिमान सुधी। अर्थात यदि लगन का आदि पति छठे या तीसरे घर में हो तो मनुष्य को बहुत माल मिलता है, धन मिलता है, इज्जत मिलती है और साथ में दो दो पत्नियां भी मिलती हैं। ये श्लोक जजमान मेरा नहीं, ऋषि पराशर का है और ऋषि का वाक्य कभी विफल नहीं होता। दूसरी पत्नी आपके जीवन में अवश्य आएगी जहरी, और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगी, वो खुदाकार आपके सामने खड़ी हो जाएगी और उसका नाम क अक्षर से शुरू होगा। सर, सर, क्या बात है रामप्रसाद, तुम यहाँ? पुरखों का वो बाग सर। क्या हुआ उस बाग को? जो बाग 53 बरस मुकदमा लड़ने के बाद हाथ आया है, वहाँ एक बुढ़ा अपनी लड़की को लेकर रहने लगा है। What? तुमने गोली क्यों नहीं मार दी उसे? मेरे पास बंदूक नहीं थी ना मालिक, तो मैं छोटे मालिक के पास गया। छोटे मालिक तुरंत वहाँ गए। निकाल दिया ना? निकाला कहा मालिक, उसकी बेटी पर आशिक हो गए। आशिक? उसके साथ शादी करने वाले हैं। शादी? ये बुढ़ा तो बड़ा डेंजरस है, बहुआ पर बेटी छोड़ दी उसने। अभी चलता हूँ, कान पकड़ कर निकालता हूँ उसे। महाराज मुझे जाना है, एक इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी फिर आ गई? जय हरी जय हरी। बड़े भैया, आप बनारस से कब आए? अरे वाह, क्या नक्शीन कुर्ता बनवाया है, है? आपको तो कपड़ा पहनना आ गया। अर्थात मैंने जो सुना है ठीक ही सुना है कि आपने विवाहित जीवन आरंभ करने का फैसला किया है? हाँ भैया। नहीं भैया। हाँ भैया नहीं भैया, क्या उस बुढ़े ने तुम पर अपनी बेटी छोड़ दी और तुमने अपनी अकल चढ़वा दी? यह हरगिज नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी जुबान दे चुका हूँ। तुम कौन होते हो मुझसे पूछे बिना इस खानदान की कोई चीज देने वाले? बड़ा बड़ा कौन है, मैं या तुम? आप भैया। तुम्हारी जबान तुम दोगे या मैं? मैं? आप भैया। तो मैंने तुम्हारी जबान प्रताप गढ़ राय साहब को दी है। चलो मेरे सर पर हाथ रखो, कहो मेरी शादी प्रतापगढ़ के बाबू कृष्णानंद राय की बेटी से होगी। मेरी शादी प्रतापगढ़ के बाबू? कौन से बाबू? कृष्णानंद राय। बाबू कृष्णानंद राय की बेटी से होगी? कहो, मैं उस बाग वाली कोठी की तरह मुंह करके सोऊंगा भी नहीं। मैं उस बाग वाली कोठी की तरह मुंह करके पेशाब भी नहीं करूंगा। मैं उस बाग वाली कोठी की तरह मुंह कर नहीं करूंगा। अरे वाह वाह वाह, इसे कहते हैं आदर्श भ्राता। मुझे मालूम था यह सब उस बुढ़े की शैतानी है, जानबूझकर तुम पर अपनी बेटी छोड़ दी। मैं भी जाता हूँ, उसे बंदूक से उड़ा देता हूँ, साला खूंचू। हे भगवान, अबे साला घोचू, एक बीड़ी और एक डबल ग्लास भांग का खूब घोट के कड़क जली ला। ये राम प्रसाद ऐसे दौड़ता हुआ क्यों आ रहा है? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली है नारियल की मिठाई, बड़े मालिक आ रहे हैं ना, उनके आते ही उन्हें ये खिला दीजिए। और याद रखिए, ये मिठाई कुसी ने बनाई है। कुसी ने? हाँ हाँ कुसी ने। चाचा जी अगर बचना है तो जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए, आप जल्दी अंदर चले जाइए। चल कुसी। अरे कुसी को यहीं रहने दीजिए, आप चले जाइए। अच्छा। और ये भी लेते जाइए प्लीज। ये भी हुआ क्या? अरे सब गड़बड़ हो गया, केचुआ मारने के लिए सांप लाए थे और सांप मारने के लिए शेर, अब शेर खुद चला आ रहा है हमें मारने। तुम ऐसा करो, तुम यहीं कहीं जल्दी से छिप जाओ, और कोई इशारा मिलते ही, मतलब जैसे, हाँ
जैसे बंदूक की आवाज। हाँ गाना शुरू कर गाना? हाँ हाँ गाना, चाहो तो नाच भी सकती हो। क्या बात कर रहे हो? देखो तुम बहस मत करो, तुम बड़े मालिक का गुस्सा नहीं जानती। हाँ कोई भी गाना, हाँ मीठा सा, हाँ प्लीज, हाँ मतलब जैसे भजन कीर्तन टप्पा ठुमरी। वो आ गए, चलो चलो जल्दी ये लेते जाओ। क्या हुआ, कहाँ है वो घुसपैठिया? वो वहीं कोठी में है सर। सर आप एक काम कीजिए, आप उन्हें डराने के लिए पहले एक फायर कर दीजिए। हाँ ये ठीक है। कौन है? उसी घुसपैठिए की लड़की। वाह वाह, बहुत अच्छा गाती है। अरे कोई है? बड़े मालिक आए हैं। अरे कोई है? कहाँ है बड़े मालिक? इधर। क्या सौभाग्य है जो आपकी चरण धूल इस घर में पड़ी। बेटी बड़े मालिक आए हैं कुछ लाइन के लिए। पहले ये बताइए आप कैसे यहाँ घुस आए? ये कोठी आपकी है क्या? बड़े मालिक कोठी तो आप ही की है, दो एक रोज में चले जाएंगे। नहीं अभी जाना पड़ेगा, इसी वक्त इसी दम, वरना गर्दन पकड़ कर निकाल दूंगा।
गर्दन पे हाथ रखने दूं तब ना? क्या मतलब? आप पूछती रहेंगे मुझसे? आइए हो जाए, आइए। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों लड़ूंगा? मेरा मतलब है आप गर्दन पे हाथ रखें, उससे पहले ही चले जाएंगे। तो चले जाइए, निकलिए। निकल जाते, निकल जाते। पर आप मेहमान हैं, मेहमान का स्वागत करना हमारा धर्म है, हमें अपना धर्म तो निभा लेने दीजिए। आप बैठिए तो सही, मैं भी क्या आपका मकान और आप ही को बैठने को कह रहा हूँ। इसे कहते हैं गंगा जल में गंगा पूजा। गाना कौन गा रही थी? मेरी बेटी। अब वो आ गई। ला ला बेटी, लीजिए थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए। क्या लाई बेटी? नारियल की मिठाई। नारियल की मिठाई किसने बनाई? इसी ने बनाई है। इसी का वाक्य कभी भी फुल नहीं होता। दूसरी पत्नी आपके जीवन में अवश्य आएगी जय हरी, और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगी, वो खुद आकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी, और उसका नाम क अक्षर से शुरू होगा। नाम क्या है आपका? कुसुम। कुसुम? कुसुम तो क अक्षर से शुरू होता है ना? जी। राम प्रसाद, हम कब बाग वाली कोठी में गए थे? बुध को सर। कितने बजे? यही कोई 9:30 बज रहे होंगे। बज रहे होंगे ना, बजे थे। उसी वक्त शनि की दशा खत्म हुई, अब वो आके मेरे सामने खड़ी हो गई। वो कौन सर? वही कब वाली कुसुम। नहीं समझे ना? मैं समझाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसी बाग वाली कोठी में मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात होगी। जैसे ही मैंने वहां कदम रखा, मेरी पत्नी की आत्मा कुसुम के रूप में मेरे सामने आके खड़ी हो गई। कोयल बोल उठी, कू कू कू। लो ये पढ़ो। इसका मतलब है, लग्न का अधिपति यदि तीसरे या छठे घर में हो तो धन दौलत और मान मिलता है, परंतु दूसरी शादी भी करनी पड़ती है। ये श्लोक मेरा नहीं है जजमान, ये ऋषि पराशर का है, और ऋषि वाक्य कभी विफल नहीं हो सकता। आपका मतलब है आप कुसुम के साथ? करनी पड़ेगी राम प्रसाद, ये तो भाग्य के लिखा है। भाग्य के आगे मनुष्य तो विवश है। देखा नहीं कैसे सुमिता की माँ की तरह अपने हाथों से नारियल की मिठाई बनाकर लाई थी? नहीं सर, वो जरूर बाजार से लाई होगी। असंभव, असंभव। बाजार की मिठाई में वो प्यार, वो मिठास कभी नहीं हो सकता। बुरा मत मानिए सर, लेकिन कुसुम के हिसाब से आपकी उम्र? उम्र? पुरुष की उम्र क्या चीज है? पुरुष तो ये है, हीरे की अंगूठी। अंगूठी कभी बुरी नहीं होती, उंगली बुरी होती। जजमान क्यों? ठीक कहा ना? जी। तुम्हारे सिवा किसी पर मुझे भरोसा नहीं। तुम्हारी तनख्वाह महीने में 10 रुपए यानी साल में 120 रुपए बढ़ा दी, मगर इस बात का किसी को खबर ना हो। यानी कुसुम की बात? कवाली रास्ते जी से बात चलाओ ना। क्या बात करते हो राम प्रसाद? बड़े मालिक मुझसे उम्र में 1-1.5 साल निकलते ही होंगे। अरे कुसुम का हाथ उनके हाथ में कैसे दे दूं? मैं उसका बाप हूं, दुश्मन तो नहीं। मैं भी तो कुसुम का दुश्मन नहीं हूं चाचा जी। और आप हाँ कह देंगे तो बड़े मालिक कल सवेरे तड़के तड़के बारात लेके यहाँ आ तो नहीं जाएंगे। क्या करना चाहिए सोचने का मौका तो मिलेगा कम से कम। तब तक उन्हें वो नारियल की मिठाई खिलाते रहिए। अब तुम कहाँ चल रही? नाटक का शौक इस घर में सिर्फ भैया को था। ये नाटक नहीं है कुसुम। नाटक नहीं है तो और क्या है? मैं तो जैसे खिलौना हूँ, कभी इसके हाथ थमा रहे हैं, कभी उसकी तरफ फेंक रहे हैं। इससे तो जान दे देना अच्छा है। जान दे देना इतना आसान नहीं है। सुनो बेटा, मैं फिर कहता हूँ, ये शादी तुम ही कर लो, सारा झंझट खत्म हो जाए। चाचा जी, मेरी तनख्वाह है 155 रुपए, उसमें से हर महीने 50 रुपए चले जाते हैं पिताजी का कर्जा चुकाने में, बचे 105 रुपए, उसमें हम तीन। अच्छा फर्ज कीजिए मैंने कुसुम से शादी कर ली, रहेंगे कहाँ? पेड़ के नीचे? खाएंगे क्या पत्ते? कुसुम, कुसुम मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ एक साथ जीने के लिए ही तो सोच रहा हूँ, और अगर एक साथ जी नहीं पाए तो एक साथ मर तो सकते हैं, एक साथ मरेंगे, पर जब तक जिंदा है तब तक कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश तो करने दो मुझे। मुझ पे भरोसा रखो कुसुम। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आए रुक मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, गिरती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। जी, कुसुम कुमारी, अरे वहां क्यों, यहां बैठो मेरे पास। पत्नी का स्थान तो पति के चरणों में ही होता है। वाह कितने पवित्र विचार है, वाह। बड़े नटखट हैं। चलाई ना? हाँ सर, वो लोग मान गए। अब मानना ही पड़ेगा, यहाँ जो लिखा है ना। हो, तुम्हारे लिए खड़ी लाया हूँ, प्रेजेंट। इसकी धन्यवाद सर। जरा बुलाओ ना। किसे सर? ससुर जी को, यानी मास्टर जी को। वो तो मकान ढूंढने गए सर। क्यों, तुम तो कह रहे थे वो मान गए। हाँ मान तो गए हैं, लेकिन होने वाले दामाद के घर से लड़की की शादी। ओहो, अच्छा तू उनसे कह देना कि ये मकान उन्हीं का है। तो जरा लड़की को बुलाओ ना, यानी कन्या को बुलाओ ना। अभी बुलाता हूँ सर। कुसी? बेटा राम प्रसाद, नाम लेकर मत बुलाओ, कुछ दिनों में तो समझते हो ना। अरे सुनती हो? ठीक है, तुम नाम लेकर ये बुलाओ, मगर ये कुसी कुसी ये मत बोलो, कुसुम कुमारी जी ऐसे बोलो। कुसुम कुमारी जी आओ आओ, आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आप लोग अच्छे तो हैं ना? जी, आपकी कृपा है और परमात्मा का आशीर्वाद। अरे वाह वाह, जैसा पवित्र वातावरण वैसी पवित्र भाषा वैसे पवित्र विचार, आपके पवित्र कहाँ हैं? आपके पिताजी कहाँ हैं? जी बाहर गए हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरा मतलब है कि घूमना फिरना तो अच्छा होता है सेहत के लिए, है ना राम प्रसाद? हाँ जी हाँ सर। तो तुम भी जाओ, जरा घूम फिर कर आओ। मैं कहाँ जाऊँ सर? जहाँ भी हो, मिठाई मिठाई खरीद कर लाओ, मैं जल्दी जल्दी में खाली हाथ चला आया ना। ये लो पैसे लो, जाओ। कौन सी मिठाई लाओ सर? जो भी हो तुम जाओ, जल्दी जाओ। सुनो, जल्दी जाओ मगर आराम से आओ, समझ गए ना? जी सर। आप बैठिए ना, बैठिए। मैंने बहाना बनाकर राम को भेज दिया ताकि मैं आपसे अकेले कुछ बातें कर सकूं। देखो कुसी बेटी, ची ची ची, तब मेरा मतलब है कुसुम कुमारी जी, मैं नहीं चाहता कि ये शादी आपकी इच्छा के खिलाफ हो। मेरी उम्र कुछ ज्यादा है, अगर आपको कोई इतराज हो तो अभी बोलिए।
जी पिताजी जो उचित समझेंगे मेरे लिए वही ठीक है। अरे नमस्कार बड़े मालिक। नमस्कार। आप बैठिए, आप खड़े क्यों हो गए? नहीं नहीं, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ, पहले आप बैठिए। रामप्रसाद तो आपसे बात कर ही चुका है, मैंने आपकी कन्या से भी बात कर ली, उसे तो कोई इतराज नहीं। जी इतराज क्यों होगा? तो शास्त्री जी ने कहा है 7 दिन के बाद एक अच्छा मुहूर्त है। इतनी जल्दी? सुबस्य शीघ्रम। आप खर्च वगैरह के बारे में बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मगर 7 दिन के अंदर शादी होनी चाहिए। 7 दिन में सर? आहिस्ता बोलो, इसके बाद तो 6 महीने तक मुहूर्त नहीं निकलता। लेकिन सर शादी ब्याह का मामला है, 1000 तरह की तैयारियां करनी पड़ती है। मैंने सब तैयारी कर ली, बबुआ गजानन को मैं देहरादून भेज रहा हूँ फैक्ट्री लगवाने के बहाने में। ये दोनों वहीं 3-4 महीने तक आराम से फंसे रहेंगे, और सुमिता तो अपनी नानी के घर रहेगी। लेकिन लेकिन सर कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। पता कैसे चलेगा रामप्रसाद? कुसी मेरा मतलब है कुसुम कुमारी तो शादी के बाद उस बाग वाली कोठी में ही रहेगी। सुमिता की शादी हो जाने दो, उसके बाद धीरे 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 बताना शुरू कर दूंगा। क्या क्या कर रही हो? देख रही हूँ जल कितना गहरा है। कुसी ये अब तो सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और तुम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो। तुम क्या समझती हो तुम्हारी चिंता सिर्फ तुम्हारी है मेरी नहीं? इसी सिलसिले में मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। नहीं घबराओ नहीं, ठीक वक्त पर आ जाऊंगा, पर मेरी सौगंध खाओ, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम कुछ करना बैठोगी, मेरा इंतजार करोगी। खाओ सौगंध खाओ, भगवान पे भरोसा रखो कुसी। मुझे तो अब भगवान पे नहीं तुम पे भरोसा है। आइए आइए आइए। हुजूर नखलऊ से शेख सलामत हुसैन साहब आए हैं। तस्लीमात अर्ज करता हूँ हुजूर। आइए आइए, आप ही की राह देख रहा था। बंदगाने अली के मिजाज कैसे हैं? दुआ है आपकी, तुम जाओ। मेहरबानी करके दरवाजा बंद कर दीजिए। सिटकनी भी लगा दीजिए। आइए आइए ना, मेरे सिवा यह कोई नहीं जानता आप इतने बड़े टेलर मास्टर हैं। करीबन 18 साल पहले मैं लखनऊ गया तो आपके चर्चे बहुत सुने। हुजूर की जरा नवाजी, इसीलिए तकलीफ दी। तशरीफ रखिए ना, बैठिए बैठिए। शुक्रिया हुजूर। एक शादी के लिए दूल्हे का जोड़ा सिलवाना है। सुना है आप ही के पुरखों में से किसी ने जाने आलम वाजिद अली शाह की शादी का जोड़ा तैयार किया था। ये खाकसार तो बुजुर्गों के पांव की धूल नहीं हुजूर, बुजुर्गों की रुसवाई का सबब है। लड़के को बुलाइए। लड़का? कौन लड़का? जिसकी शादी होनी है किबला, कपड़े तो उसी के नाप के सिलेंगे ना। लड़का मैं ही हूँ जी। माशाल्लाह चश्मे बद्दूर। कोई बात नहीं, छोटा पड़ गया, मेरे पास बड़ा भी है। आप जरा इसे पकड़िए, मैं चक्कर लगा कर आता हूँ। पैंसठ इंच तोंद। तोंद? अब इस चीज को कमर कहकर अल्लाह पाक की तौहीन तो नहीं कर सकता हुजूर, अहले जबान इस चीज को तोंद ही कहते हैं। ठीक है ठीक है।
सुनिए, यहाँ रत्नाबाई की नाटक कंपनी आई हुई थी, वो तो चली गई यहाँ से करीबन 3 दिन हुए। चली गई? हाँ। कहाँ? श्रीरामपुर। श्रीरामपुर कितनी दूर होगा यहाँ से? करीबन 40 कोस होगा। 40 कोस, तब तो पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अंदर तो आप रत्नाबाई के सामने सच नहीं बोल रहे थे। रोगी के सामने यमराज के सिवा कोई सच नहीं बोलता भैया। दवाई खिलाई जाओ, अगर ये दारू पीना बंद नहीं करेगी तो। ये क्या? आप दारू नहीं पियेंगी। तू कौन होता मुझे रोकने वाला? तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी रोकूंगा। बिरजू, बिरजू बोतल दे, बिरजू। तोड़ डाली कमबख्त, तूने बोतल तोड़ डाली, मैं तुझे आज ही नौकरी से निकाल देंगे। हाँ। निकाल दीजिए, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ आप दारू नहीं पियेंगी। तू समझता क्यों नहीं, मुझे दारू के बिना नींद नहीं आती रहे। नींद क्यों नहीं आएगी, आप सोने की कोशिश तो कीजिए। चलिए सोइए। कलाकार तो माता पिता और गुरु के सिवा किसी के पैर को हाथ नहीं लगाता, फिर तू मेरे पैर क्यों दबा रहा है? आप अभी तक वो बात भूली नहीं? बिरजू, ये नाटक नौटंकी ये भले आदमी के लिए नहीं है रे। तू यहाँ क्यों मरने आया? आप क्यों मरने आई थी यहाँ? मैं तो मरने के बाद ही आई थी रे। मरने के बाद? आप भूत हैं क्या? मैं भूत ही हूँ, अपना ही भूत हूँ रे। 12 साल की थी जब ब्याह दी गई, ससुराल गई तो पता चला 100 साल पहले से अपने किस्मत पर रो रही है, ऊपर से मार पीट, जलती लकड़ी से दागी जाती थी। ये देख, ये देख, कब तक सहती रही थी। आखिर भाग कर मैके चली आई, वहां बूढ़े बाप और छोटे छोटे भाई बहनों का दुख देखा नहीं गया, तो फिर ये नौटंकी। तेरे घर में कौन कौन है रे? पिताजी और शादी के लायक एक छोटी बहन, बस उन्हीं की चिंता है। कहां जा रही हैं आप? ये मेरे पास कुछ जेवर है, मैं तो पहनती नहीं, इसको बेच बाज के जी। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे किसी दूसरे की कमाई का पैसा नहीं चाहिए। क्या बोला? मैंने कहा मुझे किसी दूसरे की कमाई का पैसा नहीं चाहिए। ठीक, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आनी चाहिए? देख, ये देख कमबख्त, ये मेरे छोटे भाई का फोटो है। उस दिन पहले बार मैंने तुझे देखा तो मुझे अपने छोटे भाई की याद आई। वही चेहरा, वही अहंकार, उसने भी यही कहा था, मुझे दूसरे की कमाई नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुझे प्यार देना चाहती थी। और तू ठीक, निकल जा तू यहां से, मेरे आंखों के सामने से निकल जा तू।
दीदी दीदी, चाहे तो मुझे एक थप्पड़ और मार लो, लेकिन मुझे यहां से निकालो नहीं। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। अरे अब तो सिर्फ 2-3 घंटे रह गए बेटी, भवानी शंकर जी बारात लेके आते ही होंगे। चल उनके आने से पहले यहाँ से भाग चलते। चल, अरे राम प्रसाद अभी तक नहीं आया तो आके करेगा भी क्या? चल चल, चल। नहीं पिताजी, मैंने उन्हें वचन दिया है, उनके आने से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। चल ओ चल चल चल। देखो जी, सामान उतारो जी। उसके बाद गाड़ी लेकर जंगल में कहीं छिपा दो। हाँ। और तुम यहीं रहो, जाओ। अच्छा जी। राम प्रसाद बेटा जी, सर तुम संभालो सब, मैं तुम्हारे कमरे में जाकर बैठता हूँ। आइए पंडित जी, आइए। अरे भलुआ जी, मैं जाते वक्त ठेकेदार से कह के गया था, पंडाल कुर्सी कुछ लाया नहीं अभी तक। अभी सब आ जाएगा। अच्छा तुम सामान उतारो। अच्छा सर। तेरा मेरा प्यार है अमर, फिर भी क्यों मुझे लगता है डर। भवानी शंकर जी, शादी में अभी 2 घंटे की देर है, इतनी जल्दी तैयारी क्यों? पंडित, मैंने क्या कहा था? मंत्र पढ़ने के सिवा हमेशा मुंह बंद रखोगे। माफ कीजिए, गलती हो गई। फिर से मुंह खोला, मुंह बंद। याद है ना, 2000 रुपया मिले हैं, शादी के बाद फौरन काशी चले जाओगे 1 साल के लिए। सर आओ आओ राम प्रसाद। न जाने क्यों बड़ी घबराहट हो रही है। सर घबराने की क्या बात है, और आपको तो शादी का तजुर्बा है। श्रियांग सी बहु विज्ञानी, अच्छे काम में बहुत बाधाएं आती हैं राम प्रसाद। नहीं नहीं सर, जहाँ पैसा होता है वहाँ बाधा आ ही नहीं सकती। प्रसाद। हाँ सर। कैसा लग रहा हो? बिल्कुल दुला लग रहे हैं सर। अब सिर्फ एक ही चीज की कमी है। वो क्या सर? सब बंदोबस्त है मेरे पास। देखो इसमें चंदन है, शादी से पहले ये मुंह पर लगा देना। जी हाँ जरूर लगा दूंगा। डिक्की खोलो, चल चल जल्दी करो। राम प्रसाद ये सुबह कहां से आ गई? सर सुमी की नानी भी आ गई। दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजा। ये क्या हो गया राम प्रसाद, क्या हो गया ये? आप बिल्कुल ठीक कहते थे सर, वो क्या है, वो श्रेयांसी बहु विज्ञानी। हाँ वही, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए सर, मैं सब संभाल लूंगा। क्या हुआ? वो बंद। अरे आ गए आप लोग। राम भैया, नौटंकी कहाँ है? आएगी आएगी, आती होगी। दुल्हन किधर है? अंदर है, जाके उसकी मदद करो तैयार होने में। माँ जी जरा आप भी देखभाल कीजिए। चलो लड़कियों चलो चलो चलो, दुल्हन को देखें। सर सब गोलमाल हो गया। गोलमाल? नीले आसमान से बिजली गिरी, यूं ही घूमते घामते आई थी, कहती है आज रात यहीं रहेगी। तो क्या होगा क्या होगा? नहीं सर, लेकिन एक तरह से तो अच्छा ही हुआ ना। कैसे? शादी शुभ काम है, एक दो रिश्तेदार तो रहना ही चाहिए। तुम पागल हो, तुम पागल हो गए हो क्या? सास और बेटी के सामने मैं दूल्हा बनूं? सर तो फिर ये शादी शादी नहीं,
अब तो मेरा श्राद्ध होगा। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए सर, सर गजब हो जाएगा सर। ब्राह्मण की कन्या है, मुहूर्त पे शादी नहीं हुई तो कोई उसे छुएगा तक नहीं, अरक्षणीय हो जाएगी। क्यों पंडित जी? हाँ? ये बात तो ठीक है। मुंह बंद। बेटा राम प्रसाद, इस मुसीबत से तुम बचा सकते हो मुझे। हाँ सर, कहिए क्या करना होगा, आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। ये शादी तुम कर लो बेटा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे अभी अभी तुमने कहा ना कि मेरे लिए जान दे सकते हो। हाँ सर, जान दे सकता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों सर? जो लड़की आपके लायक है उससे मैं। बेटा बेटा मुझे बचा लो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो, ये शादी तुम कर लो। सर कैसे करूँ शादी, महंगाई का जमाना है और मुझे मिलते हैं सिर्फ 155 रुपए। 250 तक में भी एक आदमी का खर्चा नहीं चल सकता। नहीं, मैं तुम्हारी तनख्वाह 250 रुपए कर दूंगा। मगर सर शादी के बाद तो हम दो हो जाएंगे ना। 500 मान जाओ बेटा, मान जाओ। नहीं सर, लेकिन और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए तुम्हें? सर शादी के बाद तो बाल बच्चे भी होते हैं ना। ठीक है 600, और दहेज में ये जगह भी दे दूंगा। ये जगह और मकान भी। मगर जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। ठीक है सर, जब आप कहते हैं तो फिर तो करनी ही पड़ेगी। बेटी तेरा नाम क्या है? कुसुम। वाह, देखने में भी बिल्कुल फूल जैसी हो। मगर आप रो क्यों रही है? शादी में लड़कियां रोती ही हैं, तेरी होगी तू भी रोएगी। बिल्कुल नहीं, मैं तो गाना गाऊंगी। हाँ? राजा की आएगी बारात। लेकिन बारात कब आएगी, दूल्हा कौन है? अरे वाह, बिल्कुल दूल्हे लग रहे हो। दूल्हा या जोकर सर, दोनों में कोई फर्क नहीं होता बेटा। राम प्रसाद, तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली। जीते रहो बेटा, जीते रहो, मैं अभी आता हूँ। अरे सुमी बेटी, तू? बाबा आप यहाँ? शादी है ना? किसकी शादी है? कुसुम की और किसकी? हाँ हाँ, लेकिन दूल्हा कौन है? अबे राम प्रसाद। कैसन शादी रचाई हो देखो हमारी बहिनिया, कैसन शादी रचाई हो देखो हमारी बहिनिया। अरे मेहंदी से हथेलियों पे लिखियो कहानिया, शादी रचाई हो देखो हमारी बहिनिया। शादी रचाई हो देखो हमारी बहिनिया। अरे ऐसन मंगल गीत सुनावे सुनियो खोल के कान, किस्सा ना ही लिखी है कौनो वेद पुराण। अरे ऐसन मंगल गीत सुनावे सुनियो खोल के कान, ऐसन किस्सा ना ही लिखी है कौनो वेद पुराण। शंकर जी ने राम जी को दुल्हन दे दी दान। अरे बोलो बोलो, कहीं सुना है? हम बताते हैं। शंकर जी ने राम जी को दुल्हन दे दी दान, मेहंदी से हथेलियों पे लिखियो कहानिया, शादी रचाई हो देखो हमारी बहिनिया। कैसन शादी रचाई हो देखो हमारी बहिनिया। लीजिए। बहुत हो गया। क्या बहुत हुआ, मेरे छोटे बहन की शादी और आप एक भी नहीं लेंगे? देखो ढाल। एक और लीजिए। सुमी ले, बाबा और राम भैया को मिठाई दिया और कुसुम को खाने के लिए यही भेज दे। अटला मैं देती हूँ। चल नीता। क्या ये भाभी
नानी माँ बुला रही है, कुछ खा लीजिए। लीजिए बाबा, मुंह मीठा कीजिए। और आपको डबल मिठाई खिलाऊंगी राम भैया। क्यों मुझे एक ही से डबल क्यों? एक तो ये दूल्हा है इसलिए, और दूसरा इन्होंने हमें ये शादी और नौटंकी दिखाने का न्योता दिया है। Now to Brutus, तुम भी रामप्रसाद, तुमने भी पीछे से पीठ में छुरा भोग दिया? नहीं सर, सर मैंने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ सिर्फ अपनी सुनी की जान बचाने के लिए किया सर। वो कैसे? सर जब मैंने शादी के बारे में अपने गुरु से पूछा था ना, तो उन्होंने कहा कि ये शादी तो जरूर हो सकती है, लेकिन उनकी इकलौती बेटी मतलब अपनी सुनी वो आत्महत्या कर लेगी। क्यों क्यों? क्योंकि वो उसकी माँ की जगह और किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी सर। सर जब भी वो अपनी माँ की साड़ी पहन के और टीका लगा के आपके सामने आया करती थी, तो आप ही तो कहा करते थे ना कि उसके चेहरे में उसकी माँ का चेहरा छिपा हुआ है। पर तुम्हें कैसे मालूम? सर उसी ने तो मुझे बताया था। सर सर उसके दिमाग में उसकी माँ इस कदर छाई हुई है कि वो ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो तो जरूर आत्महत्या कर लेती सर। हाँ जरूर कर लेती, मुझे ख्याल ही नहीं आया। ठीक कहा है तुम्हारे ज्योतिषी ने, तुमने मुझे महापाप से बचा लिया रात प्रसाद। ये सब मेरे गुरु की कृपा है सर। बड़े गुणी आदमी है तुम्हारे गुरु, क्या नाम है उनका? स्वामी ऋषिकेश आनंद। कहाँ रहते हैं ऋषिकेश? होशियारपुर जलंधर। सर सर कहाँ चले? होशियारपुर जलंधर। सर सर सुनिए सर सर।